हैं खबरों की ओर। साजा में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नगर पंचायतों में जाकर आम लोगों की निःशुल्क शुगर वीपी की जांच के साथ मौसमी बीमारियों की भी जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवाई वितरण भी किया गया। वहीं इस योजना से संबंधित ठेकेदार पर भारी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि ठेकेदार ने कैंप में कार्यरत कर्मचारियों पर हर रोज मरीजों का फर्जी आंकड़ा बनाकर भेजने का दबाव बनाया है, साथ ही फर्जी आंकड़ा नहीं बनाने पर नौकरी से निकाल देने की धमकी भी दी है। इस दौरान नर्सिंग पोस्ट पर पदस्थ पायल साहू ने मीडिया से बात करते हुए विभाग की पोल खोल दी है, जिसके चलते बेमित्रा कलेक्टर ने पूरे मामले में उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। वो किसी पेशेंट के द्वारा बीपी ना लेने के कारण दवा मेरे को उल्टा सीधे बात पे कंप्लेन किया गया है। बीपी मशीन बिगड़ जाने के कारण मैं दादा का बीपी नहीं ले पाई थी उस वजह से। जी सर, वो गाड़ी के एपीएम होते हैं मैनेजर, वो बोल रहे थे कि अगर किसी लोकेशन से आपको प्रॉब्लम या किसी चीज़ से तो मेरे या सीमो के नाम से लेटर लिखो, उसके बाद मैं किसको कौन से स्टाफ को निकालना है कौन से को रखना हो करके मेरे को धमकी दे रहा था। अजय साहू जी सर, बढ़ाया जाता है फेक पेशेंट, 90 से ऊपर देने के लिए बोलता है। कौन बोलता है? एपीएम। मैं इस योजना का परियोजना प्रबंधक हूँ, मेरा काम ये रहता है यहाँ का, सिर्फ निरीक्षक हूँ इस गाड़ी का। मैं इस गाड़ी में जो भी समस्याएं आती है, चाहे पेशेंट के थ्रू या स्टाफ के थ्रू या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कोई भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो इसकी जानकारी मेरे को ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या एचआर को दिया जाता है। यहाँ पर मेरे ऊपर कोई भी स्टाफ को निकालने की अथॉरिटी नहीं है। इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट आते हैं वो आ रहे हैं, और इस हम इस गाड़ी के सिर्फ निरीक्षक हैं, आते हैं, जितना पेशेंट हमको बना के दिया जाता है हम उतना डालते हैं सामने। वो हमको जो अपन को जो जितना पायल अपने को बना के देती है पेशेंट, इतना पेशेंट आया, आज के 70 पेशेंट आए, 70 पेशेंट मैसेज आता है हमारे पास, हम गाड़ी में बैठे नहीं रहते वहाँ पर, ठीक है? उनको कौन बोला जाता है उनको पूछिए। आपके द्वारा बोला जाता है? नहीं। सभी नगरीय निकाय में मोबाइल मेडिकल यूनिट शासन द्वारा संचालित की जा रही है, और इसमें ऐसा नहीं है, हम तो प्रचार प्रसार करते हैं आम जनता के लिए, और वहाँ पर एक स्थान पर जाके खड़ी होती है मेडिकल मोबाइल यूनिट, उसमें आम जनता को आके इलाज कराना होता है, वही आंकड़े लिए जाते हैं। इस तरह के जो शिकायत है वो उचित नहीं मुझे लगता है, और अगर बात आई है तो इसकी भी परीक्षण कराएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें इस तरह की अगर फेक आंकड़ा दी जाती है तो समझाई देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो वास्तविक आंकड़ा होती है आम जनता को इलाज करते हैं वही आंकड़ा हम लोग लेते हैं। इस संबंध में तो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अभी